Hey friends, how are you? Hope so you are watching my lectures on legal terms and phrases. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. Now in this session I am going to take up more legal terms and phrases. So first, heir apparent. Heir apparent kaun hai? Yesterday in the last session we have discussed heir. Who is a heir? So we have discussed ki jisko property mil rahi hai, deceased ka hai. Is it clear? He is a heir. Is it clear? कोई cousin है, कोई nephew है, anybody can be a heir. So one who acquires property upon the death of another based on the rules of descent and distribution, they are heir. Is it clear? Next is heir apparent. Heir apparent means जिसको who is expecting कि उसको share मिलेगा. क्या अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी फादर की प्रॉपर्टी में से आपको शेयर मिलेगा. सो हेयर अपेरेंट मीन्स एक्सपेक्टिंग. द पर्सन हु इज़ एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ शेयर ऑफ द स्टेट ऑफ द फैमिली मेम्बर इफ ही और शी लिव्स लॉन्गर और इज नॉट स्पेसिफिकली डिसइनहेरिटेड बाय अ विल. इज इट क्लियर? ही इज़ एन हेयर अपेरेंट. नेक्स्ट इज हायरिस. It means feminine heir, जिसमें it means it is used for the woman. Is it clear? It is used for the woman. जो हायरनेस है used for the woman. कौन सी वुमेंस के लिए यूज़ हो रहे हैं? Who has received a large amount of upon the death of a rich relative. Is it clear? So, who has received a large amount upon the death of a rich relative is known as heiress. Next is heirs of the body. Heirs of the body means descendants. जैसे कि बच्चे हो गए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए हैं. Is it clear? अगर ये ब्लड लाइन टूट जाती है मींस कि देर इज़ नो डिसेंडेंट तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द नियरेस्ट रिलेटिव. जो ओनर का सबसे क्लोज रिलेटिव होगा उसके पास चली जाएगी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज हेल्ड. हेल्ड क्या है कि कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, दैट इज हेल्ड. कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड. नेक्स्ट हेयर डिटामेंट इट मीन्स किसी भी तरह की प्रॉपर्टी इनहेरिट की जा सकती है. किसी भी तरह की प्रॉपर्टी इनहेरिट की जा सकती है. इज इट क्लियर? ये पहले क्या विल्स और डीड में ये टर्म यूज़ होती थी. नेक्स्ट हिडन एसेट. व्हाट डू यू मीन बाय द हिडन एसेट? जो आप बिजनेस की अकाउंट बुक्स में नहीं है शो किया गया है, दैट इज़ अ हिडन एसेट. इज इट क्लियर? किस पर्पज से? फॉर एस्केपिंग टैक्स या फिर बैंकरप्सी ट्रस्टी से हाइड कर रहे हैं वो, दैट इज़ अ हिडन एसेट. नेक्स्ट इज़ हाईवे. हाईवे सबको पता है कि क्या है ये? एवरीबडी नोज़ कि व्हाट इज़ हाईवे. किसको कहते हो हाईवे? आप सबने सुना हुआ ये वर्ड. जो भी कोई रोड है, कोई पब्लिक स्ट्रीट है, केनाल है, विच कोई भी पब्लिक उसको यूज़ कर सकती है. लेकिन ये नहीं है कि वो उसके रोड ट्रैफिक रूल्स वायलेट कर रहा है. अगर वो कह रहा है कि ये तो पब्लिक रोड है, पब्लिक स्ट्रीट है, आई हैव राइट टू यूज़, तो इट डजेंट मीन कि ही विल वायलेट द ट्रैफिक रूल्स. तो उसको अगर वो यूज़ करना है, ही हैज़ टू फॉलो द रूल्स. इज इट क्लियर? That is a highway. So you can say कि to use a highway is a privilege, but it is not an absolute right. Hit and run. Next, hit and run. क्या होता है अभी? ये भी सबने सुना है कि एक ड्राइवर ने क्राइम कमिट किया है एंड ही इज़ इन्वॉल्व इन कल्यूजन विद अनदर व्हीकल, प्रॉपर्टी और ह्यूमन बींग. इज इट क्लियर?
जिसको अपना नाम देना ही पड़ता है, अपनी लाइसेंस का नंबर देना पड़ता है या कोई और इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ती है, ठीक है, इंजर्ड पार्टी को, या कोई विटनेस है, कोई ऑफिसर है। सो इट मीन हिट एंड रन में क्या है कि अगर प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है और वहाँ पे कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं था, वहाँ कोई सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, सी व्हाट आई एम सेइंग, ओनली प्रॉपर्टी इज़ बीइंग डैमेज्ड एंड नो पर्सन इज़ प्रेजेंट, तो उसमें क्या होगा, लीविंग द इंफॉर्मेशन अटैच टू द डैमेज प्रॉपर्टी मे बी सफिशेंट प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कॉजिंग द एक्सीडेंट मेक्स अ रिपोर्ट टू द पुलिस। क्लियर? सो हिट एंड रन केसेस में क्या है कि ड्राइवर ऑफ द व्हीकल ही इज इन्वॉल्व्ड इन कोल्यूजन विद द अनदर व्हीकल प्रॉपर्टी या ह्यूमन बीइंग, दैट इज हिट एंड रन केसेस आपके। नेक्स्ट हॉबी लॉस। हॉबी लॉस में क्या, अगर हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, जिस एक्टिविटी में आप इंगेज्ड हो, बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज्ड हो, और वो भी किस पर्पस के लिए, आप फॉर एंजॉयमेंट मोर देन द प्रॉफिट, उस बिजनेस एक्टिविटी से लॉस हो रहा है, दैट लॉस कैन बी डिडक्टेड अगेंस्ट द एनुअल इनकम ओनली, इज इट क्लियर? नेक्स्ट होल्ड हार्मलेस। अब देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, और सपोज देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, From that agreement, a promise to pay any cost or claim arises. ठीक है, उस agreement से आपको कोई pay cost pay करनी थी या कोई payment आपको करनी थी, कोई claim आपने किए हैं, that arises from the agreement itself. तो ये जो पार्ट होता है एग्रीमेंट का जिसमें आपको कॉस्ट मिल रही है या क्लेम आप कर रहे हो कुछ भी, तो वहाँ पे एक पार्टी को, जो एक पार्टी है ही, उसको नहीं पता कि इस लॉ सूट में, इससे लॉ सूट्स भी अराइज़ हो सकते हैं या फिर कोई क्लेम्स भी अराइज़ हो सकते हैं इस सिचुएशन से, तो उसको हाइड करने के लिए दूसरी पार्टी एग्री करती है कि वो उनको कवर कर लेगी, दैट इज़ होल्ड हार्मलेस। नेक्स्ट इज़ होल्डर। What do you mean by the term holder? जो कुछ hold कर रहे हैं वही है holder. So, if anybody is having the possession of the property, और वो भी किसी के लिए वो hold कर रहे हैं, but usually रेफरिंग टू एनी वन जो कि प्रॉमिसरी नोट होल्ड कर रहा है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहा है, इज इट क्लियर, दैट इज़ अ होल्डर। सो अ जनरल टर्म फॉर एनी वन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, बट यूजली रेफरिंग टू एनी वन होल्डिंग अ प्रॉमिसरी नोट, चेक, बॉन्ड और अदर पेपर, आइदर हैंडेड टू द होल्डर or signed by the endorsement for which he she it is entitled to receive the payment as stated in the document, is it clear? Next is holder in due course. Holder in due course में क्या आएगा, so holder in due course means अगर कोई person कोई negotiable instrument hold कर रहा है, for example anyone is holding a check or anyone holding a promissory note, उसकी value है वो good faith में receive भी कर रहा है, उसके mind में कुछ ऐसा नहीं है कि that is not a good, उसे कि good faith में he is holding a promissory note और जिसको उसको value भी मिल रही है, is it clear? Such a holder is entitled to payment by the maker of the check or note, so that is holder in due course. Now next is the holding. Holding क्या है? Hold हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा है, sorry, held हमने पहले पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, held? कोई भी रूल, अगर कोई कोर्ट का डिसीजन है, है ना, या फिर किसी, अगर hold में हम पहले भी पढ़ा है कि अगर किसी कोई प्रॉपर्टी में जिसका टाइटल है, कोई प्रॉपर्टी की पोजेशन में है,
हु इज़ द ओनर, एनी रियल प्रॉपर्टी टू विच वन हैज़ टाइटल, कोई आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी के लिए पोजेशन है आपकी प्रॉपर्टी में, दैट इज़ अ होल्डिंग. नेक्स्ट इज़ होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी मीन्स जनरली कॉरपोरेशन है, ठीक है, जनरली क्या है, कॉरपोरेशन है. एंड दैट इज़ दैट कॉरपोरेशन इज़ क्रिएटेड टू ओन द स्टॉक ऑफ अदर कॉरपोरेशंस, सो देयर बाय ऑफन कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज टू ऑल ऑफ देम इज़ द होल्डिंग कंपनी. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ होल्ड ओवर टेनेंसी. नाउ होल्ड ओवर टेनेंसी मीन्स, नाउ सपोज देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ठीक है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, कि जो टेनेंट है ही इज़ ऑक्यूपाइंग प्रॉपर्टी ऑफ द, ही इज़ ऑक्यूपाइंग द प्रेमिसेस ऑफ द ओनर. इज इट क्लियर? अब वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम पीरियड, सपोज़ एक साल के लिए आपने घर रेंट लिया था, घर रेंट पे लिया था, नाउ दैट टाइम पीरियड हैज़ एक्सपायर्ड, तो उसमें क्या है, अगेन ही इज़ कॉन्टिन्यूइंग विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ ओनर और विदाउट द ओनर्स एग्रीमेंट, ठीक है, कॉन्टिन्यू कर रहा है प्रेमिसिस में आफ्टर द रेंटल टाइम, रेंटल एग्रीमेंट हैज़ एक्सपायर्ड, और अगर लीज पे लिया है तो लीज एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, इसलिए तब भी वो रह रहे हैं, तो उसके लिए टेनेंट है वो अकॉर्डिंग टू दी जो पहले एग्जिस्टिंग रेट और टर्म्स पे उसने प्रेमिसेस रेंट पे लिया था या प्रॉपर्टी कोई लीज पे ली थी, उसी टर्म्स पे ही इज़ गोइंग, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग दी मंथली रेंट. इज इट क्लियर? और वो रेंट लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट भी कर रहा है विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़. सो जो ही इज़ अ होल्ड ओवर टेनेंसी, दैट इज़ अ होल्ड ओवर टेनेंसी, कि जो टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी आप कंटिन्यू कर रहे हो प्रेमिसेस एंड ही इज़ पे, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द रेंट, होल्ड ओवर टेनेंसी. सो जो होल्ड ओवर टेनेंट होता है, अगर उसे आपको बाहर निकालना है, यू हैव टू गिव हिम अ नोटिस. इज इट क्या? अगर फिर नोटिस देने के बाद ही वो घर नहीं छोड़ रहा है, देन यू कैन फाइल अ लॉ सूट फॉर अनलॉफुल डिटेनर. इज इट क्लियर? होल्ड ओवर टेनेंसी. नेक्स्ट इज होमस्टेड. होमस्टेड मीन्स, सो इट मीन्स कि जहाँ पे हाउस है या फिर काफ़ी हाउस ओनर्स हैं जो कि राइटिंग में डिक्लेयर करते हैं, स्पेशली दी हेड ऑफ़ दी हाउस राइटिंग में डिक्लेयर करेगा कि ये फैमिली का प्रिंसिपल हाउस है, प्रिंसिपल ड्वेलिंग है, सो दे विल रिकॉर्ड दैट डिक्लोरेशन विद द रिकॉर्डर ऑफ डीड्स एंड देयर बाय दे विल एग्जेम्प्ट इट्स वैल्यू फ्रॉम जजमेंट क्रेडिटर्स. इज इट क्लियर? दैट इज़ होमस्टेड. नेक्स्ट इज होम टाउन. होम टाउन मीन्स वेरी सिंपल, जब आप किसी के फेवर कर रहे हो कि ये तो हमारी जगह से ही बिलोंग करते हैं, इज इट क्लियर? दैट इज़ अ होम टाउन. तो ये जनरली उनके लिए यूज़ हो रही है टर्म जहाँ पे एक लोकल जज है वो फेवर करता है लोकल लॉयर्स को, अटॉर्नीज को, ओवर दोज फ्रॉम आउट ऑफ द टाउन. इज इट क्लियर? दैट इज़ होम टाउन. नेक्स्ट इज होमिसाइड. होमिसाइड क्या है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक पर्सन दूसरे को मार रहे हैं. इज इट क्लियर? किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ड्यू टू द एक्ट और ओमिशन ऑफ अनदर, मर्डर्स आ गई हैं इसमें. बट नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे होमोसाइड्स ही वो क्राइम होंगे. इज इट क्लियर? सो अगर जहाँ पे आपकी क्रिमिनल इंटेंशन ही नहीं है, जैसे कि आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, आपको आगे कोई मारपीट कर रहा है, अब जब आपने कोई गलती नहीं किया, आपको कोई आपके साथ कोई मारपीट कर रहा है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे? तो सेल्फ डिफेंस में अगर आपने किसी को मार दिया, इट इज़ नॉट अ होमिसाइड. इज इट क्लियर? सो दैट इज़ अ होमोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग. हॉर्न बुक लॉ. हॉर्न बुक लॉ इट मीन्स कि जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, जिसको फर्दर एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ अ हॉर्न बुक लॉ. नेक्स्ट हॉस्टाइल पोजेशन. हॉस्टाइल इट मीन्स
जब आपने कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रही है कर रखी है एंड नाउ यू आर क्लेमिंग ओनरशिप इन दैट प्रॉपर्टी, जबकि वो ओनरशिप किसी और की है, बट देन ऑल्सो यू आर ऑक्यूपाई क्लेमिंग योर ओनरशिप ओवर एवरी ओवर एनी वन जो इंक्लूडिंग द होल्डर ऑफ द रिकॉर्डेड टाइटल, दैट इज़ अ हॉस्टाइल पोजेशन. अब हॉस्टाइल विटनेस क्या है? एडवर्स विटनेस. हॉस्टाइल विटनेस मीन्स एडवर्स विटनेस, कि जब आप विटनेस किसी एक पार्टी ने आपको विटनेस के तौर पे लेके आए हैं, अब आप उसी पार्टी के अगेंस्ट एविडेंस दे रहे हो, दैट इज़ अ हॉस्टाइल विटनेस. इन अ ट्रायल हु इज फाउंड बाय अ जज टू बी हॉस्टाइल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टी हुज अटॉर्नी इज क्वेश्चनिंग द विटनेस, इवन दो द अटॉर्नी कॉल द विटनेस टू टेस्टिफाई ऑन बिहाफ ऑफ हिज और क्लाइंट. Is it clear? So when the attorney calling the witness finds that the answers are contrary to the legal position of his or her client, or the witness become openly antagonistic, the attorney may request the judge to declare the witness to be hostile or adverse. Is it clear? If the judge declares the witness to be hostile, attorney may ask leading questions which suggest answers or are challenging to the testimony, such as cross-examination of witness who has testified the opposition. So that is a hostile witness. Means कि जब आप एक lawyer हो, आपने अपने witness को बुलाया है, लेकिन अब वो witness क्या कर रहा है, आपके against ही evidence दे रहा है, that is a hostile witness. Means वो adverse हो गया आपकी तरफ से. Thank you guys.